आप देख रहे हैं तेज दुनिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ जुबेर अशरफी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर निकलकर लोगों को मास्क वितरित किए। इस मौके पर कोरोना संक्रमण से बचने एवं वैक्सीन लगवाने को लेकर लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया गया। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष राहुल पवार ने बताया कि प्रदेश संगठन एवं सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर मेरा मास्क मेरा अभियान के तहत मास्क वितरण किया जा रहा है। निर्देश अनुसार निरंतर मास्क वितरित किए जाएंगे। शहर के मोतीबाग चौक, सदर बाजार, किला गेट, निवाली रोड आदि क्षेत्रों में भाजपाइयों द्वारा मास्क वितरण किया गया। प्रदेश संगठन एवं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देश अनुसार शहर में कोरोना के प्रति जन जागृति हेतु मास्क का वितरण एवं मेरा मास्क मेरा अभियान कार्यक्रम के तहत हम सड़क पर निकले एवं लोगों को समझाइश दी जो कोरोना के खिलाफ लड़ने के प्रति मास्क पहने, स्वयं भी सुरक्षित रहे, अपने परिवार को भी सुरक्षित रहे एवं शहर और प्रदेश को सुरक्षित रखने हेतु अपने मास्क पहने और कोरोना के प्रति इस लड़ाई में अपना सहयोग प्रदान। पानसेमल में लगाए गए स्वैच्छिक लॉकडाउन के 3 दिन पूरे हो चुके हैं। इसके चलते आज बाजार पूरी तरह खुले दिखाई दिए। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वैच्छिक लॉकडाउन करने का फैसला स्थानीय लोगों के द्वारा लिया गया था। 3 दिन के लॉकडाउन के बाद आज बाजार खुलने के पश्चात जलगोन रोड एवं मुख्य मार्ग पर लोग खरीदी करते नजर आए हैं। इस दौरान अधिकतर लोग मास्क पहने हुए थे। खेतिया पानसेमल से राजू गायकवाड़ की रिपोर्ट।